उत्तम दास जो है सीपीआईएम स्टेट सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि त्रिपुरा के जो महाराज थे प्रीवियस और त्रिपुरा के रॉयल फैमिली, उन्होंने कभी भी आज तक त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के आम आदमी के लिए, त्रिपुरा के लिए कुछ भी नहीं किया। एक सेकंड, उन्होंने ये भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का आपका स्लोगन है, ये फेक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये तो बस टोपी पहना जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब उनके तरफ से आया। क्या बताना चाहेंगे आप, क्या टिप्पणी रहेगा? नहीं, मैं गौतम गौतम दास जी, हाँ गौतम दास जी, हाँ जी, हाँ, वो ऐसे लोग को मैं इसके मुख भी नहीं लगना चाहता हूँ। ये लोग इनको त्रिपुरा के इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये लोग अभी आए हैं, थोड़े साल पहले आए हैं, कहीं और से दूसरे देश से आए हैं। इनको क्या मालूम है कि हिंदुस्तान का क्या इतिहास है? मैं फिर से शुरू से दे देता हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि ये जो गौतम दास है, ये जो सीपीएम के सेक्रेटरी हैं, इनको कुछ हिंदुस्तान के इतिहास या त्रिपुरा के इतिहास के बारे कुछ आइडिया तो है नहीं। ये तो थोड़े डेकेड्स पहले ही आए हैं हमारे देश में, तो ये क्या जानेंगे कि त्रिपुरा महाराजा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है या फिर इंडिया का क्या इतिहास है? इनको तो सिर्फ चाइना और सोवियत यूनियन के इतिहास में ही इनको दिलचस्पी है। तो इनको मैं अपना समय भी नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों का, जिसका पूरा इंडिया में आज आइडेंटिटी खतरे में है, सीपीएम पार्टी पूरे इंडिया में खत्म होने वाला है, तो इनसे मतलब कि इनका आप इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता। देखिए महाराज जी, महाराज जी ऐसा है कि जो ये जो गौतम दास है, तो त्रिपुरा के मेन ऑपोजिशन के स्टेट सेक्रेटरी है। कहाँ है मेन ऑपोजिशन? एडीसी में तो ये लोग शायद थर्ड पोजीशन में आए हैं। तो ये तो मेरे लिए तो मेन ऑपोजिशन नहीं है। अच्छा, तो मैं इनको इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देना चाहता हूँ। ये मैंने इसको देखा भी नहीं है पिछले 3 साल में, एडीसी इलेक्शन में कहीं कैंपेन भी नहीं किया इन्होंने। को लगता है कि सीपीएम वापस त्रिपुरा में आएगी? मुझे नहीं लगता कि सीपीएम पूरे इंडिया में वापस आने वाली है। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, हमें बस आपका प्रतिक्रिया चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं जब कहता हूँ आपको लगता है, मैंने आपके बारे स्पेसिफिकली नहीं कहा, बहुत लोगों को लगता है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा बात है कि इनको अपना घर को संभालना चाहिए। इनको अगर लगता है कि त्रिपुरा महाराजा ने कुछ नहीं किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही कुछ किताब पढ़ ले। इनको अगर महाराजा त्रिपुरा ने कुछ नहीं किया, तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में सुन ले थोड़ा सा। तो इनको इनको मालूम होना चाहिए, लेकिन ये लोग जान बुझ के नहीं मानते, क्योंकि इनको नहीं लगता कि इंडिया में मतलब कि कोई इतिहास होना चाहिए, सब इतिहास दूसरे देश से आना चाहिए, ये उनका अंडरस्टैंडिंग है। मैं ऐसे लोगों के मुख भी नहीं लड़ना चाहता हूँ, और जहां तक मेरा डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनली कहां ये प्रॉब्लम। गौतम दास जी ने बताया कि आपका जो ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का स्लोगन है, ये तो आपने असम का भी कुछ एरिया इसमें इंक्लूड कर दिया, बांग्लादेश का भी कर दिया। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आप मेरा पूरा स्पीच सुनिए काउंसिल में, मैंने Article 3 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात किया है, और एक मैंने बात किया है, वो है सेपरेट, कि जहां मैं ADC से बाहर, जहां मैं भी त्रिपुरा से बाहर जो भी है, वहां में काउंसिल होना चाहिए, और उस काउंसिल में हमारा आज एक कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मैंने ये कहा है। यही बात आज एक बहुत लोग है जो मिजो काउंसिल जो जम्पुई में करना चाहता, वो भी वही बात कर रहे हैं। यही बात बोडोज का हुआ है, जब अग्रीमेंट हुआ था बोडोलैंड का, कि जो भी बोडो काउंसिल टेरिटोरियल काउंसिल से बाहर है, वहां में इनके लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया है। तो ये कोई नया बात नहीं, थोड़ा सा लॉ पढ़ ले, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, तब आकर मुझसे डिबेट करें। एक वर्ड उन्होंने यूज किया गौतम दास जी ने, हम बताएंगे सीपीआईएम की तरफ से ही, कि आपका जो ये स्लोगन है त्रिपुरा लैंड का, जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो स्लोगन है, दावा है आपका, ये दंगाई जो है, उन दंगाई को भड़काने के लिए ये एक्टिविटी हो रहा है त्रिपुरा में। एक ये देखिए ना, मैं अगर किसी ने मुझे कम्युनल कहा है, तो मैं उसको कोर्ट में जाकर उसको उसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा। मैंने आज तक त्रिपुरा का रॉयल फैमिली कभी ना कम्युनल था, ना रहेगा, ना होगा।
तो ये दंगा का बारे बात छोड़ दीजिए, दंगा सीपीएम लगाता था और सीपीएम के टाइम बहुत हमारे लोगों को मारा गया है, बंगालीज मरे हैं, ट्राइबल्स मरे हैं, हिंदूज मरे हैं, नॉन हिंदूज मरे हैं, ये सीपीएम का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं। थैंक यू सर।